लव जिहादिनेतिरे भारत रक्षा मंचिन्റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ പദയാത്ര ക്യാമ്പസുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പദയാത്ര നടക്കുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശ് അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡിന്റെ മലയോര മേഖലകളിലേക്ക് കടന്നുകയറുന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ ഹിന്ദു പെൺകുട്ടികളിൽ പ്രണയം നടിച്ച് മതം മാറ്റുന്നതാണ് വൻ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമാക്കുന്നത് पदयात्राएं जो निकाला है इसका मूल उद्देश्य यही कि हम बिना भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर हम राष्ट्रपति सरकार को वोट देने में सहयोग कर सकते हैं। कैसे लव जिहाद लैंड जिहाद बिन्ने जिहाद नशे की का जो पदयात्रा निकाला उसमें हमने कई पूर्व मुख्यमंत्री वीडियो भी संदेश जारी कराए और हमको ये बताना है कि जो राष्ट्रवाद के लिए काम करती जो समाज के लिए काम करती जो धर्म के लिए काम करते हैं उस सरकार को चुनना है। इसके लिए हम उत्तराखंड के लगभग जो भी अपनी 70 विधानसभा है और 5 लोकसभा में यात्राओं के माध्यम बनाने का तो काम करेंगे करेंगे साथ में सबसे ज्यादा भ्रांतियां आज की डेट ये पड़ गई जो CAA आया है इसमें बहुत से समाज के बीच में फैलाया जा रहा है लोगों की नागरिकता जा रही है। हमें भारत रक्षा मंच के कार्यकर्ता के माध्यम से ये लोगों को बताना है जो हमारे देश के अंदर विभिन्न देशों से अफगानिस्तान पाकिस्तान से पीड़ित हिंदू हैं उनको सिख जैन बौद्ध और सिखों को नागरिकता मिलेगी और उनको अधिकार से जीने का हक मिलेगा उनको ये भी समाज में बनाने के लिए भारत रक्षा मंच जाए जो CA लाए जो राम मंदिर बनाए जो राष्ट्रवाद की बात करता है उनको वोट देने के लिए काम करना है। समय का मैं सभी को प्रणाम करना चाहता हूं।